एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी बनावट होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए या फिर इसका तरीके से पूछ सकता है वट इज मीन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपका क्या मतलब है एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर और यहाँ पे आपको फिर काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर की जो अलग अलग कैटेगरी हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है या फिर इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं वट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हाउ इज़ इट अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है और उसको कैसे अपॉइंट करते हैं ठीक है तो ये है आपका क्वेश्चन क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट्स कटेगरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसी कैटेगरी क्या क्या है तो देखिए सबसे पहली बात हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है इसकी डेफिनेशन जानते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ लार्ज बॉडी इट कंसिस्ट ऑल द्री रैंक ऑफ मिनिस्टर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेस ऑफ द थ्री कैटेगरी ऑफ द मिनिस्टर दीज आर अब देखिये ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ये एक बहुत बड़ी बॉडी होती है जिसमें सारे के सारे अलग अलग रैंक के मिनिस्टर शामिल होते हैं और ये जो इनके मिनिस्टर होते हैं इनको हम थ्री रैंक

मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज अब देखो आपको पता है इंडिया तो अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है है ना तो क्या सिर्फ अगर हम बोले फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो क्या वो पूरे देश के फाइनेंस को कर सकती है मैनेज बिल्कुल नहीं कर सकती है तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है हर पर्टिकुलर स्टेट में अपने छोटे छोटे ना मंत्रालय बना देती है जैसे कि गुजरात फाइनेंस मिनिस्ट्री दिल्ली फाइनेंस मिनिस्ट्री तो वैसे ही जो अलग अलग स्टेट के लेवल पर छोटी मिनिस्ट्री बनाई जाती हैं जो आगे जाके बड़ी मिनिस्ट्री को यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर मिनिस्ट्रीज को हेल्प करती हैं वो होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज क्योंकि अपने अपने स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरिया में में स्टेट काम करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के काम में मदद करते हैं एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये इनसे अलग होते हैं ये मिनिस्टर स्टेट के होते हैं और ये भी आगे जाके हेल्प करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज की तो ये तीनों कैटेगरी आपको याद करनी है I hope you understand it well. Best of luck.